दाल बुखारा ना खाएं या दाल मखनी ना खाएं, मैं उसकी यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ। लेकिन बाद में दाल मखनी जो है वो धीरे धीरे रेस्टोरेंट के अंदर जाकर वो जो है वो इतनी ज़्यादा फैट से भर दी गई कि अब वो अनजाने में आपको जो है वो नुकसान कर सकती है, तो फिर आपको ये दाल जो है तंग करेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एनके शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से हम आहार संबंधी बहुत सारे भ्रम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको एक वैज्ञानिक आधार देकर एक सामान्य बुद्धि के स्तर पर हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं। पर्पस क्या है कि हम रोगों से मुक्त रहें और अगर रोगी हैं तो ठीक हो जाएं और जीवन भर स्वस्थ रहें, बस यही उद्देश्य है। आज का जो मेरा विषय है दोस्तों, थोड़ा अजीब सा है कि दाल मखनी खाएं और फैटी लिवर कमाएं। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, दाल मखनी सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में लोगों की बड़ी फेवरेट डिश है, बल्कि दाल मखनी खाने के लिए लोग कई तरह तरह के रेस्टोरेंट में जाते हैं और नए नए स्वाद की आजमाइश भी करते हैं। कई लोग दूर दूर तक ढाबे पर जाते हैं कि भाई वहाँ की दाल खानी है। दाल बुखारा हमारे दिल्ली में जो मौजा शेराटन है उसके खाने के लिए बाहर के भी जो लोग आते हैं, बड़े बड़े प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वो भी सब वहाँ पर ऐसी दाल को खाना पसंद करते हैं। तो दाल बुखारा ना खाएं या दाल मखनी ना खाएं, मैं उसकी यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ। दाल मखनी में कहाँ समस्या है जिससे आपको कई तरह के बाद में खतरे पैदा हो सकते हैं, फैटी लीवर हो सकता है और आपको बहुत सारी बीमारियों में वो डाल सकता है, मैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, वैसे जिस तरह से दाल मखनी आज एक पंजाबी कल्चर में बहुत ही एक फेमस डिश है अपने आप में, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाक कला में भारत ने बहुत गहरी एक प्रकार से खोज की है, तरह तरह के डिशेस बनाए हैं और उसकी तारीफ भी की जानी चाहिए, इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि पंजाबी कल्चर में जिस तरह के भोजन वहाँ पर डेवलपमेंट हुए हैं उसमें आपने एक बात नोट की होगी कि अधिकतर भोजन बहुत रिच, रिच का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा फैट से रिलेटेड होते हैं। अगर आप जितनी भी हम पंजाबी सब्जियां हम खाते हैं तो आपने देखा होगा कि चाहे दाल मखनी बनाएं, कि चाहे पनीर की सब्जी बनाएं, चाहे छोले बनाएं, चाहे राजमा बनाएं, चाहे सरसों का साग बनाएं, उन सब में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैट का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए इस तरह की जो सब्जियां होती है वो हमें आज नहीं तो कल कोई कोई बड़ी बीमारियों में डाल सकती हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि आज जितने कैंसर, हार्ट डिजीज़, मोटापा, ये सब जितने आज इस हमारे इस कल्चर के अंदर है, पंजाबी कल्चर में है, वो शायद दूसरे कल्चर में उतने ज़्यादा शायद नहीं होंगे। मैं पंजाबी कल्चर को बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि बहुत ही जॉली और बड़े दिलदार लोग होते हैं और खाना भी वास्तव में अगर कभी कभार उनके डिशेस को एंजॉय किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मैं दाल मखनी के बारे में क्यों बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये उन लोगों को सावधान रहना है कि जिनका वजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है, जिनके लीवर में प्रॉब्लम है और जिनकी मेहनत बहुत कम है, तो ऐसे लोगों को दाल मखनी से थोड़ा बचना चाहिए या कभी बहुत रेयरली उपयोग करना चाहिए। अच्छा, मैं क्यों दाल मखनी के थोड़ा विपक्ष में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके रेसिपी बनाने के बहुत सारे तरीके यूट्यूब पे देखे हैं। देखिए, बहुत सारे सरल तरीके भी हैं जिसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा फैट का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, ऑयल का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा फ्राई भी नहीं कर रहे हैं, बहुत थोड़ा बहुत फ्राई कर रहे हैं, तो ऐसे भी रेसिपीज हैं। लेकिन ऐसी रेसिपीज कितने लोग इस्तेमाल करते हैं मुझे पता नहीं है। हो सकता है घरों में कुछ महिलाएं सावधान होकर थोड़ा सिंपल वे से बनाती भी होगी, लेकिन अधिकतर जो YouTube पे मैंने इसकी वीडियो देखे हैं वो है रेस्टोरेंट टाइप की, कैसे बनाई जाए दाल मखनी। तो दोस्तों, उस दाल मखनी के अंदर जब मैंने उसको अध्ययन किया तो मुझे पता चला
कि पकाने से पहले उसमें मक्खन डाला जाता है, उसके अंदर प्याज टमाटर और मसाले खूब अच्छी तरह लंबे समय तक टमाटर के साथ भुने जाते हैं, इसके अंदर जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में दूध डाला जाता है और क्रीम डाली जाती है काफ़ी अच्छी मात्रा में। अब देखिए कितनी क्रीम डाली जाती है, कितना दूध डाला जाता है, ये तो आपके परिवार में आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं ये उसके ऊपर निर्भर होता है, बट डेफिनेटली दूध जो है वो जनरली दाल मखनी में लोग डालते हैं, ऐसा मैंने मतलब दाल मखनी बनाने वालों से सुना भी है। और तो यहाँ पे समझना क्या मालूम है, दाल मखनी में सबसे पहली चीज़ जो आपको प्रॉब्लम क्रिएटर है वो है खूब लंबे समय तक प्याज टमाटर मसालों का भुनना, और वो जब तक भुनना है जब तक कि वो एक सर्टन स्तर पर उसका वो स्वाद क्रिएट ना हो जाए, तो इसलिए उनको उतना भुनना ही पड़ता है। और जितना कोई फैट हीटेड हो जाती है तो कभी भी ध्यान में रखना वो फैट जो है यानी कि वसा वो कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर जनरेटर हो जाती है, बॉडी के लिए बड़ी इरिटेबल हो जाती है। तो एक तो वहाँ पर इसका कारण है, दूसरा प्रॉब्लम कहाँ पर है कि इसके अंदर जब दूध डालते हैं तो पहली बात तो दूध और दाल का संबंध बिल्कुल अच्छा नहीं है, दोनों पेट में एक प्रकार से सड़ते हैं, ये मतलब अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं है आपस में, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दाल मखनी को थोड़ा इनडाइजेस्टेबल बनाने का। और तीसरा कारण क्या है कि जब दाल मखनी बन जाती है, और आप तो जानते हैं कि नाम ही मखनी है, और मखनी का मतलब क्या है कि खूब मक्खन से भरी हुई, तो दोस्तों इसमें इतनी क्रीम डाली जाती है, इतना मक्खन डाला जाता है, इसके कारण इसमें वो एक प्रकार का स्वाद जो है क्रिएट किया जाता है, और उसी की हम तारीफ भी करते हैं वास्तव में। और दाल मखनी में जितना मसालों का स्वाद नहीं है ना, उतना ज़्यादा स्वाद जो है मक्खन का है वास्तव में। तो और मक्खन भी जो इसमें डाला जाता है वो पास्चराइज्ड मक्खन होता है, ध्यान रखना, जो कि उसको हीट करके उसको ऑल्टर कर दिया गया हो, तो पास्चराइज्ड मक्खन और ज़्यादा हमारे लीवर के लिए बहुत प्रॉब्लमसम होता है, और बाद में जाकर हमारे अंदर फैटी लीवर का डेवलपमेंट करना, और फैटी लीवर से हमारे अंदर हार्ट ब्लॉकेजेस होना, ब्लड प्रेशर का हाई होना, और फैटी लीवर से ही बाद में जाकर सिरोसिस होना या कैंसर में डेवलप हो जाना, और वैसे भी आप जानते हैं कि फैट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं, और उसमें कोई ना कोई बीमारी जो है इस प्रकार की दाल खाने से आ सकती है। इस दाल की सबसे बड़ी खूबी क्या मालूम है कि इस दाल को है ना, इसलिए मैं इसकी तारीफ भी करना पसंद करूँगा कि ये दाल को जो है रात भर जो है इसको भिगोया जाता है, कई घंटों तक भिगोया जाता है, और फिर धीमी आंच पर लंबे समय तक इसको पकाया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के अंदर पुराने समय में जब दाल पकाने का जो सिस्टम था वो था कि दाल को पहले कुछ घंटे भिगो दिया जाए ताकि वो सुपाच्य अवस्था में आ जाए, और उसके बाद में उसको धीमी आंच पर कुछ घंटों तक पकाया जाता था। मेरे खुद के भी घर में मुझे याद है कि मैं हमारे उस समय कोयले अंगारे जो अंगीठी जलती थी तो उसके अंदर सुबह जो खाना बन जाता था तो उस समय दाल रखी जाती थी, तो शाम तक वो धीमी धीमी आंच पर वो दाल पक जाती थी और उस दाल का स्वाद बिल्कुल अलग होता था। तो वास्तव में दाल खाने का वास्तविक तरीका भी यही था कि दाल पहले धीमी आंच पर उसको पका दें भिगोने के बाद, और बाद में उसको एक दो चम्मच जो भी तेल या घी में जो भी आप पसंद करते हैं उसके अंदर उसको छौंक मारना होता है, तो असली स्वाद जो था वो था छौंक का और थोड़ा बहुत जो मसाला हम डालते उसका, इस तरह से। तो ऐसे करके दाल खाने का ये थोड़ा सही तरीका था। तो लेकिन बाद में दाल मखनी जो है वो धीरे धीरे रेस्टोरेंट के अंदर जाकर वो जो है वो इतनी ज़्यादा उसको फैट से भर दी गई कि अब वो अनजाने में आपको जो है वो नुकसान कर सकती है, क्योंकि फैट उसके अंदर नज़र भी नहीं आती, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसीलिए दाल खाने का जो वास्तविक तरीका है वो जो है वो दाल मखनी आप बनाएं ज़रूर, लेकिन उसमें अंत में कम से कम फैट के साथ भी इसको बहुत स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। कोई बहुत ज़्यादा तेल घी या मक्खन या क्रीम या दूध डालकर अगर आप सोचते हैं कि दाल मखनी को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया जा सकता है तो मैं इसको एक कलाकारी नहीं कहता, बल्कि ये बहुत डैमेजिंग एक प्रकार से कला कह सकता हूँ कि
जिसके कारण अनजाने में हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में घुस सकते हैं। तो अब ये बात और है कि कभी कभार शौक से आपने खा लिया, आप यंग हैं, आप जब तक आपने थोड़ा बहुत खा लिया तो बॉडी डाइजेस्ट कर लेगी, लेकिन जिस दिन आपने ऐसा आपने प्रोफेशन या धंधा अपना लिया कि जहाँ जाकर आप बैठ जाते हैं अपनी सीट पे और फिर इस तरह की दाल का अगर आप सेवन करते हैं तो फिर आपको ये दाल जो है तंग करेगी, क्योंकि आप अगर ये फैट इतनी बॉडी को दे रहे हैं और अगर ये फैट बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुई और तो जाके वो जमा होने वाली है और बाद में इससे संबंधित सब तरह की बीमारियां आपके साथ जुड़ने वाली है। तो दोस्तों आज के बाद अगर आपको सचमुच दाल मखनी खानी है उसको सिंपल तरीके से बनाए, कम से कम फैट से बनाए और तेल को भी बहुत ज्यादा ना भूने, तो उससे फिर आप जो है थोड़े सेफर साइड में रहेंगे। तो दोस्तों बस इतनी ही बात बताने के लिए आज मैंने वीडियो बनाया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी वीडियो को बड़े प्यार से सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा कमेंट भी करते हैं। तो मैं इसी तरह की वीडियो लेकर मैं फिर आपके सामने आऊँगा एक नया विषय लेकर। नमस्कार।